आज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम में 100% चांस होते हैं आने के। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला, ये इसका मतलब पहले हम समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला रिलेट विद द इफ वी कैन डिवाइड लाइन इनटू टू और थ्री पार्ट देन वी कैन अप्लाई अ सेक्शन फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स, ठीक है, इनके बीच में मैंने एक और पॉइंट लिया, दैट इज अ आर। और जो आर है, ये पॉइंट है, ये इसको मान लो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप अप्लाई करोगे सेक्शन फार्मूला। तो जब आपको रेशो गिवन हो या रेशो निकालनी हो तो आप सेक्शन फार्मूला यूज करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके लिए आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे और आपको कहेंगे फाइंड द रेशो, या आपको रेशो साथ में दी जाएगी, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो ये आप ध्यान रखना। तो इस केस में मैं मान लेता हूं जो जो मेरे पॉइंट है, पी पॉइंट मेरा है x1 y1, जो पी पॉइंट है मैंने ले लिया x1 y1, आर पॉइंट मैंने लिया x एंड y, एंड क्यू लिया मैंने x2 y2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर क्यू। तीनों के मैंने पॉइंट ले लिए, x1 y1 इज द पी, क्यू x2 y2, और जो R है XY। ठीक है, और मैं रेशो ले रहा हूं m रेशो n। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला कैसे बनना है, फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ R, दैट इज x, x इक्वल टू क्या लिखोगे, m को मल्टीप्लाई करना है x2 से, कोऑर्डिनेट लेने हैं x के, और फर्स्ट जो रेशो लेनी है, तो मल्टीप्लाई m x2, सिमिलरली प्लस n x1, और नीचे दोनों की सम, रेशो का सम m प्लस n, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। अगर आपने x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपने फॉर्मूला लगाना है m x2 प्लस n x1 ओवर रेशो का सम m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल टू m से, m को मल्टीप्लाई करोगे y से, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y से मल्टीप्लाई करोगे, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। बहुत सिंपल है, अगर y निकालना है तो y2 y1 साथ में mn, अगर x निकालना है x2 x1 साथ में mn। सॉरी, तो ये बात का ध्यान रखना, दिस इज द सेक्शन फार्मूला। अब इसको हम अप्लाई करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये डायग्राम हम मिटा देते हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7। देखो आप इस जहां पर लाइन बना लो, ये आपकी लाइन है, ये पॉइंट दिया है -1 एंड 7। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया है 4 एंड -3। वो कहते हैं ये कोऑर्डिनेट निकालो xy कोऑर्डिनेट निकालो, इफ रेशियो इज 2:3, मतलब आपको mn दी है, आपने यहां पर वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू फिल कर लेते हैं। x की वैल्यू x इक्वल टू m, देखो कितना है 2 मल्टीप्लाई 4, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 को फर्स्ट x2 से, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। सॉल्व कर लो इसको, 8 माइनस 3 ओवर 5, 5 ओवर 5, आंसर कितना आया 1, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1। तो यहां पर आप बहुत आसान है ये फार्मूला लगाना। उसके बाद हम वाई निकालते हैं, वाई की वैल्यू दे रही y इक्वल टू, चाहे ये फार्मूला आप याद करना याद करो, नहीं तो डायरेक्ट पता है, y वाला जो कोऑर्डिनेट 2 को y से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 2 प्लस 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो जहां पर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, -6 प्लस 12 ओवर 5। ठीक है, तो -6 प्लस 12 ओवर 5 इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका कितना आएगा,
सिक्स ओवर फाइव, ठीक है। तो ये आपका आ गया सिक्स ओवर फाइव, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। आपने क्या किया फिर दोबारा देख लो, टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया और थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों की रेशियो का सम, तो टू रेशियो माइनस थ्री माइनस सिक्स, फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व, तो आपका कितना आ गया ट्वेल्व माइनस सिक्स, सिक्स ओवर फाइव, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो आपका आंसर यहां पर कितना आ गया वन, वन कॉमा सिक्स ओवर फाइव, दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इसको देख लो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंज है, जहां पर आपको एक रेशियो दी थी बट सेकंड सम में आपको रेशियो नहीं दी, वो कहती है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो आपको पहले ट्राइसेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। आपको एक लाइन दी है, लाइन दी है और लाइन के पॉइंट है फोर माइनस वन, फोर माइनस वन एंड माइनस टू माइनस थ्री, दिस इज अ पॉइंट पी एंड क्यू, मान लो पी एंड क्यू है और आपको कह रहे हैं ट्राइसेक्शन। मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब इस लाइन को थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो रेशियो कितनी आएगी, टोटल कितना है आपके थ्री पॉइंट है, ठीक है। तो इसको एक मिला टोटल टू, तो जहां पर आ जाएगी वन रेशियो टू। देखो कैसे, इसका फर्स्ट पार्ट तो वन, इसके टू पार्ट तो टू, तो वन रेशियो टू। अगर जहां पर बात करें तो क्या आएगी, इसके टू पार्ट टू, इस तरफ वन, तो टू रेशियो वन। आपको रेशियो पता चल गई, क्या निकालने हैं आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट तो इसको हम मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू, तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम एक्स वन निकाल लें, अब मैं फार्मूला राइट नहीं करूंगा, डायरेक्ट सम करूंगा, फार्मूला खुद करना। पहले वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई, वन माइनस टू, फिर प्लस टू मल्टीप्लाई फोर, ओ टू मल्टीप्लाई फोर ओवर वन प्लस टू, इतना आ गया माइनस टू प्लस एट ओवर थ्री, तो सिक्स ओवर थ्री, आंसर कितना आ गया टू। एक्स वन कितना आ गया टू, अब क्या निकालना है वाई वन, तो वाई वन इक्वल टू, फिर वाई वन निकालना है तो वन को वाई से मल्टीप्लाई, वन माइनस थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस वन, अब वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन ओवर वन प्लस टू, कितना आ गया माइनस थ्री माइनस टू ओवर थ्री, ठीक है। थ्री को माइनस वन से किया तो आपका आ गया माइनस थ्री माइनस टू ओवर थ्री, थ्री और टू फाइव, तो आंसर कितना आया माइनस फाइव बाय थ्री। तो आपका जो आंसर है वो एक्स वन वाई वन कितने आ गए टू और माइनस फाइव बाय थ्री, ठीक है। एक्स वन वाई वन निकल गए। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं इसको, जहां पर राइट कर लो, ये आपका आंसर आया, यहां पर लिख लेते हैं माइनस टू कॉमा माइनस फाइव बाय थ्री। अब हमने निकालने हैं एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू निकालने हैं, तो एक्स टू वाई टू देखो, एक्स टू इक्वल टू, पहले क्या करेंगे टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई, अब रेशियो लेनी है टू रेशियो वन, तो टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस वन मल्टीप्लाई फोर ओवर कितना टू प्लस वन, रेशियो टू रेशियो वन है तो रेशियो नीचे लोगे टू प्लस वन, अगर वन रेशियो टू है तो वन प्लस टू, थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना, कितना आ गया माइनस फोर प्लस फोर ओवर थ्री, आंसर कितना आ गया जीरो। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो जहां पर कितना आया आपका जीरो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि एक्स टू कितना आ गया जीरो। उसके बाद वाई टू निकालना है, वाई टू इक्वल टू टू को माइनस थ्री से, टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस वन ओवर कितना आएगा आपका टू प्लस वन, तो थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स माइनस वन ओवर थ्री माइनस सेवन बाय थ्री, तो वाई टू कितना आया माइनस सेवन बाय थ्री। तो देख लो इसको माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन बाय थ्री, तो आपकी एक्स टू वाई टू की वैल्यू कितनी आई है
0, minus 7 by 3. This is the second coordinate. तो इसको देख लो, उसके बाद next question करते हैं. तो next question देखते हैं हम क्या है. ये important question है, इसको important लिख लो, बहुत important question है. Find the ratio. अब आपने ratio निकालनी है. Find the ratio in which line segment joining the point. आपको एक line दी है, उसके point दिए -3 और 10, -3 and 10 दिए हैं और 6, -8 दिए हैं. 6, -8 ये point दिए हैं. वो कह रहे हैं जी जो line है जो divide करती है -1 and 6 में, -1, 6 is a coordinate. ठीक है, इस पॉइंट में डिवाइड करती हैं. वो कहते हैं फाइंड द रेशियो. जब भी आपको कहें फाइंड द रेशियो तो आप रेशियो ले लो के रेशियो 1. तो यहां पर रेशियो लेनी है के रेशियो 1. ठीक है, हमेशा रेशियो क्या लेनी है, के रेशियो 1. अगर आपका आया फाइंड द रेशियो तो आप हमेशा रेशियो लोगे के रेशियो 1. तो आपको पता है ये हमारे क्या है, एक्स वाई है. तो एक्स इक्वल टू k को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6k, फिर 1 को -3 से, -3 ओवर k प्लस 1. देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू दिया -1. तो आप यहां पर पुट कर लो -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, k को -1 से किया -k, -1 प्लस 1 -1 इक्वल टू 6k -3. k वाले एक साइड रख लो, दूसरे एक साइड -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1. ठीक है, -1 उस तरफ जाकर प्लस 1 हो गया, कितना आ गया -7k इक्वल टू -2. माइनस से माइनस कैंसिल, k कितना आ गया 2/7. आपका k आया है 2/7. रेशियो क्या थी, रेशियो थी बच्चे आपकी k रेशियो 1. रेशो क्या थी, के रेशो 1. के की वैल्यू कितनी आई है 2/7 रेशो 1. तो आंसर कितना आ गया 2/7. ठीक है, दिस इज अ रेशो. तो ध्यान रखना जब भी आपने रेशो निकालनी है तो के रेशो 1 लेकर चलना है. ठीक है, तो बाकी आपका फार्मूला वही रहना है, एम वाला जो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन. वाई निकालना है तो वाई के लिए भी आप कर सकते हो m y2 plus n y1 over m plus n. This is the section formula. इसके सारे सम बच्चे approximately जितने भी सम है NCERT में सारे हो गए हैं. इसको एक बार revise कर लेना. Thanks for watching the video.